हेलो गाइस, टेक सुविधा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले इंटेल के 10 नैनोमीटर सीपीयूज के ऊपर। अब गाइस देखो, हम सभी को मालूम है यार कि इंटेल के लिए पिछले जो 2 साल हैं वो बहुत ज्यादा बुरे रहे हैं, क्योंकि एएमडी की तरफ से कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिशन ही एएमडी की प्रॉब्लम नहीं है, एएमडी की प्रॉब्लम यह है कि वो 14 नैनोमीटर की फैब को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो 10 नैनोमीटर पे मूव कर जाए, लेकिन उनको बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। लेकिन अब वो थोड़ा ईज होता हुआ दिख रहा है, बट फिर बाद में इंटेल की कमर तो यार पिछले 2 साल से वल्नरेबिलिटीज ने तोड़ के रखी हुई है। सबसे पहले तो आपका स्पेक्टर और मेल्टडाउन आया, बाद में स्पेक्टर वेरिएंट 2, स्पेक्टर वेरिएंट 4, और फिर बाद में और भी बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज एक के बाद एक इंटेल के सीपीयूज में निकलती गई। और रिसेंटली एक और वल्नरेबिलिटी निकली है जिसके अंदर की आपकी जो ओवरक्लॉकिंग फीचर है सीपीयू का, उसके अंदर बग है। तो उसको इस्तेमाल करके मतलब कोई हैकर आपके इस पीसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो अब तक तो हमने जितनी भी बुरी खबर थी इंटेल की उन सभी के बारे में बात किया था, लेकिन आज थोड़ा कुछ पॉजिटिव चीजों के भी बारे में बात कर लेते हैं इंटेल के साइड से, जो कि काफी अच्छी न्यूज है जो इंटेल के फैंस है, जो नहीं है फिर भी उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर इंटेल प्रोग्रेस करता है तो एएमडी को भी यार टक्कर देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एएमडी टक्कर दे रहा है। बट जैसे ही इंटेल का डोमिनेंस धीरे धीरे मार्केट से जाने लगेगा तो एएमडी भी अपने प्राइसेस को जाहिर सी बात है बढ़ाएगा, और फिर बाद में एएमडी की तरफ से भी आपको मतलब कुछ खास टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिलेगा नहीं। तो ताकि एएमडी सभी गरीबों का मसीहा बना रहे और वैल्यू प्रोडक्ट्स देता रहे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इंटेल अपना मतलब डोमिनेशन ना करे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम टक्कर जरूर देता रहे। और एक पे एक वल्नरेबिलिटीज इसलिए भी निकलती चली गई ना कि इंटेल ने पिछले 4-5 जनरेशन से सीपीयू के अंदर आर्किटेक्चर चेंज नहीं किया हुआ। 9 जनरेशन के अंदर सेम आर्किटेक्चर, 8 जनरेशन के अंदर सेम आर्किटेक्चर, फिर बाद में आपका 7 जनरेशन के अंदर भी सेम आर्किटेक्चर, 6 जनरेशन के अंदर भी सेम आर्किटेक्चर। प्रोसेस नोड की भी बात करी जाए तो वो भी 14 नैनोमीटर, बाद में उसका रिफाइंड वर्जन, उसी का रिफाइंड वर्जन, उसी का रिफाइंड वर्जन। मतलब ना ही तो प्रोसेस नोड के अंदर इंटेल ने एडवांसमेंट किया है और ना ही तो आपके आर्किटेक्चर में चेंजेस किए हुए हैं। लेकिन चलो अच्छी खबर के बारे में बात करते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि इंटेल अब मतलब ऑलमोस्ट अपने लाइन पे आ चुका है और उसने अपने अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स का रोड मैप भी निकाल दिया हुआ है, जिसके अंदर की आपको मतलब 2 से 3 साल का गैप देखने को मिल जाएगा एक मेजर आर्किटेक्चर के ऊपर। सबसे पहले आपका नोड श्रिंक होगा, बाद में फिर आर्किटेक्चर चेंज होगा और साथ में बाद में ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो अराउंड आपको 2.5 से 3 साल का मतलब गैप देखने को मिल रहा है हर मेजर आर्किटेक्चर के अपग्रेड के ऊपर, जो कि अच्छी बात है यार। अब इंटेल इस रोड मैप को मतलब अपने खुद के बनाए रोड मैप को कितना फॉलो कर पाता है वो तो भाई इंटेल ही जाने, हम तो मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इंटेल ने तो पहले भी बहुत सारे रोड मैप प्रिडिक्ट किए थे, लेकिन फिर बाद में 14 नैनोमीटर पे आके अटक गए थे। बट पॉजिटिव चीज ये है ना कि मतलब आपका जो 10 नैनोमीटर है उसकी जो मेजर जो टेक्निकल डिफिकल्टीज थी इंटेल ने उसको सॉल्व कर दिया हुआ है, और 2020 के मिड तक आपका 10 नैनोमीटर जो है वो मतलब डेस्कटॉप के लिए रेडी हो जाएगा। अब गाइस देखो, डेस्कटॉप के लिए रेडी हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 नैनोमीटर के चिप्स डेस्कटॉप के ऊपर 2020 के मिड में देखने को मिल जाएंगे, नहीं, आपको 2021 तक वेट करना पड़ेगा, या फिर आप ये समझ लो कि आपको 2020 के एंड तक मतलब ये चिप्स आने लगेंगे। तो अब आप ये पूछ रहे होगे कि यार तुम तो बोल रहे थे कि 2020 के मिड में मतलब रेडी हो जाएगा, तो फिर इतना टाइम क्यों लग जा रहा आने में। भाई देखो, प्रोसेस तो रेडी हो जाएगा और आपका आर्किटेक्चर भी रेडी तो मतलब कब से ही है, बस प्रोसेस नोड का ही प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर बाद में उसको फैब्रिकेशन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि सैंपल्स आएंगे, फिर बाद में मास प्रोडक्शन होगी, और फिर बाद में लॉन्च के लिए जब प्रोडक्शन सब हो जाएगी तब जाके इंटेल मतलब 1-2 महीने बाद लॉन्च करेगा। तो सब मिला जुला के आपको अगर इंटेल बहुत ज्यादा घाई घाई भी करता है तो भी मतलब 2020 के एंड से पहले तो मतलब ये 10 नैनोमीटर के डेस्कटॉप प्रोडक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अब भले हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है शायद 5.2 GHz जैसे कि आपका i9-9900KS कर पाता है, 5.2 GHz ना कर पाए, सिर्फ 5 GHz पे जाए जो टॉप मॉडल है या फिर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चिप्स हैं, लेकिन 100-200 MHz से कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप आर्किटेक्चर चेंज करते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब इंटेल प्रोसेस नोड को तो श्रिंक कर ही रहा है, ऊपर से आर्किटेक्चर भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको काफी ज्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और इंटेल की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि मतलब गेमिंग के लिए और बाकी एप्स वगैरह के लिए इंटेल मतलब कितना ज्यादा पैसा पानी की तरह बहाता है सिर्फ अपने ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है ये चिप्स मतलब काफी डिसेंट होंगे ही। अब इंटेल को डेंजर एक है कि एएमडी की तरफ से Zen 3 जो है वो तब तक रेडी हो गया रहेगा। आपके जो Zen 3 के सीपीयू है वो आपको थर्ड क्वार्टर से शायद
प्रोडक्शन में दिखने को मिले, या फिर मे भी हो सकता है कि फोर्थ क्वार्टर के आने से पहले ही मतलब लॉन्च हो जाए, तो तब तक तो इंटेल की तरफ से आपके 10 नैनोमीटर के चिप्स तो रेडी रहेंगे नहीं, तब उस वक्त इंटेल क्या करेगा। तो गाइस ऐसा सुनने में आया कि इंटेल हो सकता है मे बी जो नेक्स्ट जनरेशन जो कि 10 नैनोमीटर के ऊपर आर्किटेक्चर यूज करने वाला था, वो ऐसा हो सकता है कि वो 14 नैनोमीटर के पे ही वो आर्किटेक्चर मतलब फैब्रिकेट कर दे। अब यार बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर 14 नैनोमीटर पे डालेंगे तो मतलब क्या मजा आएगा। तो भाई सबसे पहली बात, क्योंकि 14 नैनोमीटर एकदम रिफाइंड प्रोसेस नोड है, तो उसके ऊपर ये जो आर्किटेक्चर है उसकी क्लॉक स्पीड तो बहुत ज्यादा होगी, साथ ही में आपको आईपीसी का भी बंप देखने को मिलेगा, फिर बाद में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज वगैरह वो सब फिक्स हो जाएंगी इस जनरेशन के साथ में। यस पावर कंजम्पशन ऑब्वियसली बात है ज्यादा रहेगा क्योंकि 14 नैनोमीटर के नोड के ऊपर ही रहेगा और वहां पे एएमडी मतलब मूव कर जाएगा 7 नैनोमीटर ईयूवी पे, तो पावर कंजम्पशन का तो डिफरेंस दोनों कंपनियों के बीच में ऑब्वियसली बात है कि रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर मैटर ये करता है ना कि देखो कोई भी गेमर है ना, अगर उसको परफॉर्मेंस बराबर मिल रहा है ना, तो महीने का अगर 10-20 रुपए बिल का बढ़ भी जाता है ना तो फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। ऐसा मेरा सोचना है, शायद आप अलग सोचते हो, लेकिन मैं तो यही सोचता हूं कि मतलब 10-20 रुपए महीने का बिल बढ़ जाए वो चलेगा, लेकिन मैं जो बाय कर रहा हूं ना प्रोडक्ट वो मुझे परफॉर्मेंस दे, वैल्यू दे। तो अगर इंटेल हिट कर पाता है अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ, भले 10 नैनोमीटर के ना हो लेकिन आर्किटेक्चर चेंज कर देता है और प्राइसिंग बराबर रखता है, और रूमर्स तो ये भी आ रहे कि मतलब अब आपको i3 के अंदर 4 कोर्स और 8 थ्रेड देखने को मिलेगा, मतलब कि अब i3 भी गेमिंग के केपेबल हो जाएगा। हालांकि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि करंट जनरेशन का जो 9 जनरेशन का i3 है 9100F वो तो आप मत बाय करो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 4 कोर है, ऊपर से हाइपर थ्रेडिंग भी नहीं है, ठीक है। तो वो आजकल के गेम्स के लिए तो मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि मान लो अगर आप कोई बजट ग्राफिक्स कार्ड भी लेते हो, जैसे कि GTX 1650 सुपर हो गया जो कि इस वक्त बेस्ट ऑफ द बेस्ट बजट ग्राफिक्स कार्ड है 15,000 के अंदर, तो वो भी जो मेजर AAA टाइटल्स है ना उसके अंदर ये आपके i3 9100F को बॉटलनेक करवा देगा। तो यहाँ पे आज के जमाने में अगर आपको AAA टाइटल्स में मतलब हर AAA टाइटल्स में अगर बराबर गेमिंग करनी है अराउंड 45-60 FPS में भी, तो आपको कम से कम 4 कोर्स और 8 थ्रेड का CPU चाहिए ही चाहिए, जो कि आपका 10th जनरेशन का CPU होने वाला है। आपको उसके अंदर 4 कोर्स और 8 थ्रेड देखने को मिलेंगी, साथ ही में i5 के अंदर भी आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड देखने को मिलेंगी, जो कि मतलब अच्छी बात है। और फाइनली i5 अब एक अच्छे गेमिंग चिप्स मतलब वापस हो जाएंगे। अब यार बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंटेल से मतलब हाइपर थ्रेडिंग ऐड कर रहा है, लेकिन AMD तो अपने Zen 3 के अंदर Ryzen 5 के अंदर ही 8 कोर डाल देगा, तो नहीं भाई ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि एक हद तक कोर्स को बढ़ाया जा सकता है, और जो बेस्ट 8 कोर चिप्स होंगी ना वो AMD भी चाहेगा कि उसके मतलब Ryzen 7 के अंदर जाए, ताकि वो भी मतलब प्रॉफिट थोड़ा अर्न करे। अब ऐसा नहीं कि मतलब AMD आपको एकदम ही परफॉर्मेंस प्रोडक्ट दे देगा, वो भी एकदम ही चीप प्राइस पे, ऑब्वियसली बात है वो भी कंपनी, उसको भी प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है, एटलीस्ट अगले 1-2 साल के लिए, जब तक कि AMD मतलब हमें कुछ ज्यादा ही चमत्कारी ना दिखा दे। मे भी हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिल जाए, वो भी Ryzen 5 के अंदर, लेकिन मोस्टली ये इम्पॉसिबल है। तो फिलहाल के लिए देखो यार न्यूज तो ये है कि मतलब इंटेल किसी भी तरीके से 10 नैनोमीटर को स्किप नहीं करने वाला है, 7 नैनोमीटर पर डायरेक्टली नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस नोड को रिसर्च करने में ऑलरेडी मतलब R&D करने में इंटेल ने बहुत सारे पैसे गवाए हुए, तो उसको ऐसे मतलब लीव नहीं कर सकता, कम से कम कुछ तो प्रॉफिट निकालेगा। और वही बात अगर रही 7 नैनोमीटर की, तो ऐसा बोला जा रहा है कि वो ऑन द ट्रैक है और उसके अंदर कोई डिलेज नहीं होगा, बट ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बट यार साफ सीधी बात ये है कि अगर मान लो कि 14 नैनोमीटर के ऊपर ही अगर नया आर्किटेक्चर के साथ में इंटेल अगर CPUs लॉन्च कर देता है और मतलब प्राइसिंग उनकी बराबर रहती है, परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाता है, तो मुझे तो कोई खराब डील तो नहीं लग रहा यार। ऑब्वियसली बात है पावर कंजम्पशन हाई होगा, थोड़ा मतलब CPUs हॉट रन करेंगे, बट अगर आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है, आप अच्छा कूलिंग सोल्यूशन लगा के और काफी काम चला सकते हो, काम तो नहीं, काफी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि मतलब इंटेल जल्दी से जल्दी अपना 10 नैनोमीटर लेकर आए, क्योंकि मैं भी मतलब सोचा था कि इंटेल के डायरेक्टली अब 10 नैनोमीटर का CPU इस्तेमाल करूंगा जब मैं अपना i7-3770 लॉक्ड प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर बाद में मैं वेट करता गया, सदियां बीतती गई, लेकिन इंटेल का 10 नैनोमीटर कभी नहीं आया, इसलिए मुझे मजबूरन Ryzen 7 पे मतलब जाना पड़ा, ठीक है, जो कि मैं रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा परफॉर्मेंस मिला हुआ है। और यार देखो गेमिंग में भी परफॉर्मेंस मेरे को सही मिल जाता है, यहाँ तक कि मैं 2070 सुपर मतलब इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे कोई मतलब बॉटलनेक्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि यार देखो चाहे आप AMD फैन बॉय हो या फिर इंटेल फैन बॉय, जब तक दोनों कंपनियां अच्छा करती है अपने स्पेस के अंदर बहुत ही अच्छी बात है, और बाकी जिनके प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं करेंगे ऑब्वियसली बात है उनको तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे। तो मे बी द बेस्ट जो भी प्रोडक्ट लेकर आता है वो विन हो, और क्या। तो इसी के साथ बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच।
में। अगर आपको ऐसा कंटेंट और फ्यूचर में देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न के एफिलिएट लिंक से शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी फॉलो कीजिए मेरे सोशल मीडिया को जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या तो ज्वाइन कीजिए मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।